नाज़रीन, हुकूमत वक्त ने बिल आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इज्तमाही इस्तीफ़े दिए गए थे उनमें से सिर्फ 11 इस्तीफ़े जो हैं वो मंजूर किए हैं, जिनमें दो इस्तीफ़े ऐसे हैं जो रिज़र्व सीट्स के ऊपर थे, शीरी मज़ारी साहिबा और शंदाना गुलजार जो गुलजार ख़ान की साहबजादी हैं। इसके अलावा 9 ऐसे MNAs के इस्तीफ़े मंजूर किए गए हैं जो इलेक्शन लड़के जीत कर आए थे। इनमें से पंजाब से भी तल्लक रखने वाले MNA हैं, दो हैं, शेखुपुरा से इजाज शाह साहब और ननकाना से और फैसलाबाद से फरोख हबीब हैं। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा से 4 हैं, 3 कराची से हैं। और अगर इन हलकों को देखा जाए और ये देखा जाए कि इसके पीछे हुकूमत के मकासद क्या हैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ें सामने आती हैं। तो आज हम इसी चीज़ का जायज़ा लेंगे, 3 चीज़ों का। एक तो ये कि इन हलकों से हारे कौन थे, वो बड़ी बड़ी अहम शख्सियात हैं जो पार्टी सरबराहान जो हैं वो इन हलकों से हारे थे। इस वक्त जो PDM हुकूमत में शामिल हैं जमातें उनके सरबराहान और बड़े अहम लोग इन हलकों से हारे थे। फिर इन हलकों में अगर PDM की किसी हलके में 3 जमातें, किसी हलके में 4 और किसी हलके में 5 जमातें जो हैं वो उनके कैंडिडेट थे, उन सब के वोट को इकट्ठा किया जाए तो 7 हलके ऐसे हैं जहां पे जो वोट मार्जिन है वो काफ़ी तगड़ा है। और PTI की अगर अकेली वहां पे उम्मीदवार हो, अकेली नशस्त हो, तो इनका ख्याल है कि उनको शायद शिकस्त दी जा सकती है। और उसका भी एनालिसिस करेंगे कि इन चारों पांचों जमातों की इतिहादी के वोट कितना बनता है और PTI का वोट कितना था और क्या एक्सपेक्ट कर रही है। और तीसरा मामला जो है कि जो PDM की हुकूमत है उसको ये खदशा लाग हो गया था कि इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है 2-3 इतिहादियों को तोड़कर अपने साथ मिलाकर दोबारा नेशनल असम्बली में आ सकते हैं और कहीं वो वज़ीर आज़म ना बन जाएं, इसीलिए 11 सीटों को कम किया गया। अब इन 11 सीटों में से अगर 3 या 4 नशिस्तें भी PDM की क्यादत ये सोच रही है कि अगर वो सारे मिलकर PTI के खिलाफ लड़ें और जीत जाएँ तो अपनी वो 3-4 नशिस्तें ले लें, तो उनका वो जो मार्जिन है हुकूमत साजी वाला शायद वो पूरा हो जाएगा और वो बचा लेंगे। तो ये वो सारी सोच है जिसके पीछे ये हिकमत अमली इख्तियार की गई। अब अगर इन हलकों का जायज़ा लिया जाए तो इनमें जो बड़ी अहम शख्सियात जिनको शिकस्त हुई उसमें NA 24 चारसदा से असफंद यार वली खान साहब जो ANP के सरबराह हैं वो हारे थे, फजल मोहम्मद खान जो PTI के हैं उनसे ये हारे थे। और इनका कोई वोट मार्जिन को तकरीबन 24,000 वोटों से असफंद यार वली साहब हारे थे। लेकिन जब NA 24 में PDM की तमाम हुकूमतों का वोट देखा जाए, इसमें क्योंकि ANP के असफंद यार वली साहब 59,800 वोट लिए थे, मौलाना गोहर शाह MMA के JUI से इनका तल्लक है 38,330, आलमगीर शाह नून लीग के 1366 इन्होंने वोट हासिल किए थे। तो इस तरह से इनके वोट जो हैं वो मजमूई तौर के ऊपर कोई 1,09,969 यानी 1,10,000 बनते हैं। फजल मोहम्मद खान के 83,596 वोट थे। तो इनका ये ख्याल है कि अगर हम सारे मिलकर एक कैंडिडेट मौलाना गौर शाह या असफंद यार वली को लेकर आएँ तो फिर शायद 1,00,000 के करीब अगर हम अपना वोट रिटेन कर लें, वापस ले लें, तो शायद हम PTI से जीत जाएंगे। एक तो ये नशिस्त है। एक नशिस्त जो है वो कराची की है जिसमें बिलावल भुट्टो साहब को शिकस्त हुई थी, बहुत से लोग भूल गए हैं। ये NA 246 साउथ कराची, कराची जनूबी की नशिस्त थी। अब्दुल शकूर शाह साहब PTI के 53,029 वोट लेकर कामयाब हुए थे और यहाँ से बिलावल भुट्टो साहब ने 39,347 वोट लिए थे, दूसरे नंबर पे थे। और ये कोई तकरीबन आप 14,000 वोटों से इनको शिकस्त हुई थी। MMA के मौलाना नूरुल हक साहब ने 33,260 वोट लिए थे। सलीम ज़िया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सिंध के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, 19,137 वोट लेके आ रहे थे। और ANP के हजरत गुल जो हैं वो तकरीबन 800 वोट इन्होंने लिए थे। तो इस तरह से मजमूई वोट इनके कोई 92,500 के करीब बनते हैं और 53,000 अब्दुल शकूर शाह साहब लेके जीते थे। तो यहाँ भी इन इतिहादियों का ख्याल है कि अगर ये सारे मिलकर अपना एक कैंडिडेट लेकर आएँ तो 39,000-40,000 वोटों का मार्जिन है, तो शायद वो जीत जाएंगे। इन दो के अलावा
एक हल्का पंजाब का और एक खैबर पख्तूनख्वा और भी बड़ा अहम हल्का है जहाँ पर बड़ी अहम शख्सियात को शिकस्त हुई थी। हाजी गुलाम अहमद बलोर साहब पेशावर से ANP के मरकजी लीडर हैं, इलेक्शन लड़ते हैं। ये पेशावर से NA 31 से इलेक्शन लड़ा था। इन शौकत अली PTI के 87,975 आलमोस्ट 88,000 वोट लेकर ये कामयाब हुए थे और बलोर साहब ने 42,500 वोट लिए थे। यहाँ पे MMA के सदीक रहमान साहब ने कोई 11,500 वोट लिए, नून लीग के मोहम्मद नदीम ने 3,000 वोट लिए और इस तरह से यहाँ पर भी इन लोगों का ये ख्याल है कि अगर ये मिल के इलेक्शन लड़ते हैं, और इरफानुल्ला साहब भी थे पीपल्स पार्टी के यहाँ पे जिन्होंने कुछ 7,500 वोट लिए थे, तो इनका ये सारा वोट मिलाकर भी कुछ तकरीबन 65,000 के करीब बनता है, लेकिन शौकत अली साहब 88,000 वोट लेकर जीते थे। तो यहाँ पर यह ख्याल है कि ANP की बलोर फैमिली क्योंकि पेशावर में है, उनका असर रसूख काफ़ी है, तो अगर यहाँ पे बलोर फैमिली का कैंडिडेट लाया जाए तो शायद ये सीट निकाली जा सके, तो इसलिए ये मामला जो हुआ। फिर NA 22 मर्दान में अली मोहम्मद खान जहाँ से जीते, यहाँ पे JUI के मौलाना मोहम्मद कासिम जो है कि अली मोहम्मद खान ने 58,600 वोट लिए थे और 56,500 वोट जो है मौलाना कासिम थे, 2,000 वोटों का फ़र्क था। तो लेकिन नून लीग के जमशेद खान ने यहाँ पे कुछ 36,800 वोट लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यहाँ पे शुएब आलम थे, वो 13,300 वोट थे उनके, और ANP के मलिक अमान खान थे जहाँ 27,000 वोट इनके थे। तो इन सब का वोट मिलाकर कोई 1,34,000 बनता है और ये 75,000 वोट ज़्यादा हैं इन 4-5 जमातों के PTI से, तो इसलिए इनका ये ख्याल है कि यहाँ भी अगर हम सब मिलकर ANP या MMA को ये सीट दें या PMLN को, तो तीन इनके तगड़े ही उम्मीदवार थे, इनमें से किसी एक को दें तो शायद ही हम सीट निकाल लें, इसलिए इनको यहाँ से निकाला गया। फिर कोरम एजेंसी की एक सीट है, यहाँ पर भी PTI का बाकी तमाम इत्तेहादियों से वोट ज़्यादा है। फ़खर जमान यहाँ पे NA 45 कोरम से जीते थे 16,911 वोट लेकर। इनके मुद्दे मुकाबले 3 PDM की इस वक्त जो जमातें हैं, MMA के जमील खान चमकनी 15,761, नूर नरोज़ खान ANP के, इन्होंने कोई तकरीबन 900 वोट, और रफ़ीउल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनका तकरीबन 200 वोट था। तो ये सारे मिल के 16,900 के करीब हैं और 16,911 फ़खर जमान का वोट था, तकरीबन ये 80 वोटों का फ़र्क है। तो ये भी समझा जा रहा है कि शायद ये सीट निकाली जा सके। पंजाब की एक बड़ी इंटरेस्टिंग सीट है NA 108, फरूख हबीब जो वज़ीर मुमलकत भी थे इत्तेलात के, उनकी सीट जो है कि वो भी उनको डी सीट किया गया है। फरूख हबीब ने आबिद शेर अली को शिकस्त दी थी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मेन मरकजी किरदारों में से एक है। तो फरूख हबीब ने 1,12,000 वोट लिया था और आबिद शेर ने 1,10,000 वोट लिया था, तो 1,10,900 उनका 1,12,182 था। तो इनका बज़ाहिर जो 1,15,000 वोटों का फ़र्क था इनका। असगर अली कैसर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, 4,905 वोट लिया। ज़िक्रिया सैयद जो थे ये MMA के कैंडिडेट, इन्होंने भी 1,823, तो टोटल वोट इनका 1,17,635 था, तो 1,12,000 फरोग हबीब का था। तो ये भी ख्याल है कि अगर राना सनावला साहब और ये सारी फैमिली इकट्ठे हो के, अगर से बड़े इख्तलाफात हैं आबिद शेर अली साहब के वालिद के राना सनावला से, कि ये सब जान लड़ा कर लड़ें तो शायद ये सीट भी निकाल ली जाए, तो मार्जिन कम दिखाई दिया गया। ननकाना की सीट, अब ब्रिगेडियर इजाज़ शाह IB के सरबराह रहे, मुशरफ के बड़े करीबी थे, ये वही हैं जिनके बारे में बेनज़ीर ने जो ख़त लिखा था ईमेल के, अगर मेरी जान को कुछ हो गया तो जो जिम्मेदारान हैं उनमें इजाज़ शाह का नाम भी था। NA 118 ननकाना 63,918 आलमोस्ट 64,000 वोट लिए थे इजाज़ शाह ने। इनके करीब करीब शजरा मनसब अली जो 61,395 वोट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 18,739 शाहजहान अहमद थे। तो ये दो बड़े कैंडिडेट थे इनके मुकाबले में। अब उन दोनों का वोट जो है कोई 80,000 बनता है, इजाज़ शाह का 63,64,000 है, तो इनका भी ख्याल है कि 16,000 इकट्ठे हम मिलकर लड़ें तो इजाज़ शाह से कई सीट निकाली जा सकती है। इसी तरह कराची NA 237 जमील खान 33,522 वोट लेके जीते थे। हकीम बलोच पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 32,000 वोट था उनका। नदीम मकबूल MQM 14,000 वोट, जैन अंसारी 14,000 वोट, नून लीग के ANP के अजीज़ अहमद 1,000 वोट 898, और
6,000 वोट एम एम का था मोहम्मद इस्लाम, तो इनका मजमुई वोट 35,500 बनता है। यहाँ पर भी इनका ये ख्याल है जी कि कुछ 2,000 वोट ये सारे मिल के लड़ने तो ज़्यादा है, लेकिन क्या इस वक्त जो वेव चल रही है वो वाकई सूट करती है पीडीएम को या नहीं सूट करती। इसी तरह कुरंगी कराची में सुहेल मंसूर ख्वाजा पाकिस्तान एमक्यूएम पाकिस्तान के रहे हैं, ये मोहम्मद अकरम जो पीटीआई के 69,169 वोट था उससे आ रहे थे, इनका 68,811 वोट था, बहुत क्लोज मार्जिन था। फिर यहाँ पे नून लीग का 19,600 वोट, मोहम्मद एहसान एमएमए का 12,200 वोट है, अलीम गोरी 11,800 जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इमरान हैदर का है, और मंसूर आलम नूरानी ग्रुप को तकरीबन 125 वोट। तो इनका ख्याल है जी कि 1,00,000 कोई 12-13,000 वोट जो है ये सारे पीडीएम के अगर मिलके एक कैंडिडेट लेकर आए तो ये 70,000 वोट पीटीआई का तो निकाली जा सकती है। तो ये वो सिचुएशन है बड़ी इंटरेस्टिंग जिसके तनाजर में ये सोचा गया कि ये सीटें जो हैं कि शायद पीडीएम की लीडरशिप वापस निकाल लेगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि पंजाब के अंदर अगर 20 हलकों को देखा जाए तो वहाँ पर भी कुछ ऐसी सिचुएशन थी कि आज़ाद उम्मीदवार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीएमएलएन का वोट मिलाएं तो पीटीए से इकट्ठा होता था, लेकिन जो इस वक्त वेव और मोमेंटम बना हुआ है वो डिफरेंट है, आवाम का मूड डिफरेंट है। अब ये देखना होगा कि इन हलकों पर क्या इलेक्शन हो पाते भी हैं कि नहीं, क्योंकि उससे पहले ही बड़ी एग्रेसिवली ये कोशिशें की जा रही हैं कि ये असम्बलियाँ तहलील हों और आम इंतखाबात का ऐलान हो, और अगर नहीं होता तो यहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन होते हैं, तो शायद जो पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन है उससे कुछ ज़्यादा डिफरेंट नतज नहीं होंगे, वैसे ही मिलते जुलते नतज होंगे, लेकिन क्या पीडीएम अपने मकासद हासिल कर सकेगी या नहीं, ये जो है कि काफ़ी मुश्किल दिखाई देता है पीडीएम की कामयाबी के लिए।